नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज आपको ये गेंदे के पौधे दिखाऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि पिंचिंग हम बताते हैं रहते हैं या बहुत जगह ये सुनने में आता है कि पिंचिंग कर देनी चाहिए जब भी प्लांट लगाएं। तो देखिए, मैंने अपने प्लांट में कोई पिंचिंग नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे फूल आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आ चुके हैं और ये कितने प्यारे से ब्लूम हुआ है। मैं आपको जब ये लगाई थी और दिखा रही थी तब मैंने कहा था कि ऐसा लगता है कि जैसे फूलों की चादर बिछी हुई हो, तो वो सेम कंडीशन इस समय हो चुकी है। और आप देखेंगे ये किनारे किनारे यहाँ दुरांता की हेज लगी हुई है, आप देखिए ये किनारे किनारे ऐसे दुरांता की हेज लगी हुई है और बीच में आप देखें यहाँ बीच में ये पूरे गेंदे की पौध लगी हुई है। इधर के जो प्लांट आपको दिख रहे होंगे, थोड़ी सी लग रहा होगा आपको कि यहाँ कुछ खाली खाली सा है, लेकिन ये खाली नहीं था, ये भी भरा हुआ ही था। वो मेरा बच्चा फुटबॉल खेल करके कुछ प्लांट्स को तोड़ दिया है और इसलिए उसकी हालत थोड़ी ऐसी है, लेकिन ये है कि इधर के जो फूल हैं वो पूरी तरह से बच गए हैं। और इस जैसे फुटबॉल कभी कभी चली जाती है तो पौधे टूट जाते हैं, कई डंडियां टूट जाती हैं, मैंने कई जगह गमलों में लगाई हुई भी हैं, अब देखते हैं चलती हैं कि नहीं। लेकिन ये मैं आपको ये बताने के लिए वीडियो ये बना रही हूँ कि पिंचिंग कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पिंचिंग करेंगे तभी आप में के यहाँ अच्छे और अधिक फूल आएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप अच्छी वैरायटी का अगर पौधा लगा रहे हैं तो उसमें अच्छे फूल आते हैं। और जैसा कि आप देखिए, ये पूरा छोटी सी जगह है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि इसमें फूल बहुत आए हुए हैं और मैंने इसमें कोई पिंचिंग नहीं की है। तो आप अगर अच्छी वैरायटी का गेंदा लगाते हैं तो उसमें कोई पिंचिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप नवंबर के बाद गेंदे के पौधे लगा रहे हैं तो आपको पिंचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेम वैसे ही प्लांट लगा दीजिए, वो अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो यही मुझे आज आपको बताना था। तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।